अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 9। दिस इज सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आई एम योर टीचर लालमीना। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर 5, दैट इज बॉयज लॉ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स and pencil and open page number 126. So the laws related to the gases. The behavior of the gases towards pressure, volume, temperature and molar amount is governed by the following laws. यहाँ पे हमारे पास जो गैसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, तो उसको जो है इन रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉज है। सो द टिपिकल लॉज आर रिलेटेड टू द गैसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज लॉ। सो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन द इंट्रोडक्शन। इन 1662 रॉबर्ट बॉयर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। 1662 में रॉबर्ट बॉयर ने क्या किया, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, जबकि टेम्परेचर को उसने क्या किया, कॉन्स्टेंट रखा। सो अंडरलाइन द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied provided by the temperature remain constant. क्या किया कि हमारे पास जो relation था that is inverse relation. So volume is inversely proportional to the pressure, means अगर एक quantity हम increase करेंगे तो दूसरी quantity हमारे पास डिक्रीज होगी, जबकि हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा। क्या होगा कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल जो है प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वान्टिटी दैट इज़ वॉल्यूम वो हमारे पास डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर को जो है वो डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नाउ मैथमेटिकली हम बॉयज लॉ को किस तरह डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ स्टेटमेंट, सो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन में होता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, अगर ये हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एज ऑलरेडी यू नो कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं सो वी इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज बॉयज लॉ इज वॉल्यूम वी इज इक्वल टू के बी इंटू 1/p, where kb is the proportionality constant also called Boyle's law constant. So the equation becomes pv is equal to kb at constant temperature. हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इसमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज कराते हैं सो द इक्वेशन बिकम P1V1 इज इक्वल टू P2 × V2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो है वो P1 स्टैंड फॉर इनिशियल प्रेशर, ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर है। सिमिलरली V1 दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, P2 दैट इज फाइनल प्रेशर एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम। सो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो है P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है और हम चेंज लेकर आते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर होगा दैट इज़ P2 एंड जो फाइनल वॉल्यूम में चेंज आएगा दैट इज़ V2। नाउ लेट्स हैव अ रीड। जिस तरह मैंने आपको मैथमेटिकली जो है वो डिराइव करके दे दिया है। सो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जब हम जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड दैट कॉन्स्टेंट इज़ के बी इज़ अ बॉयज लॉ कॉन्स्टेंट। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होती है दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू के बी, सो वेयर के बी इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टेंट फॉर बॉयज लॉ। नो चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, सो वैन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम V1 to V2 एंड द प्रेशर इज चेंज फ्रॉम P1 to P2, देन द बॉयज लॉ इक्वेशन कैन बी रिटन एज।
So the equation become P1V1 is equal to P2V2, which is equal to KB, and the temperature at that time is constant. So P1 is initial pressure, while V1 is initial volume. Similarly, P2 is final pressure and V2 is the final volume. So the above from the above equation, the Boyle's law can also be defined as. Now give the heading second statement. हमारे पास जो second statement आती है according to this equation. So the product of the pressure and volume of a given mass of a gas remain constant provided the temperature is कॉन्स्टेंट. सो हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर का एंड वॉल्यूम का वो कॉन्स्टेंट होता है, इज इक्वल टू के बी, जब तक हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो. नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ, के बॉयज लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह प्रूव करते हैं. नो द अपरेटस यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ आर शोन इन द फिगर. फिगर में आप देख सकते हैं कि जो अपरेटस हम यूज करते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ, ये हमारे पास. अब यहाँ पर अगर आप देखें, अ सर्टन मास ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन द सिलेंडर. सिलेंडर हमारे पास ये है, इस सिलेंडर में हमारे पास एक सर्टन मास ऑफ अ गैस जो है उसको हमने इंक्लोज किया होता है. दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. गैस का हमारे पास ये वॉल्यूम है. यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज आपको गिवन होती है. नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज चेंज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर. क्या होता है कि हमारे पास दैट इज प्रेशर, यहाँ से हमारे पास प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, जो ये प्रेशर को हमारे पास शो करता है, यहाँ से हम जो है ये इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो जब हम जो है प्रेशर में चेंज लेकर आते हैं, यहाँ से वैल्यूज़ आपको क्लियरली नज़र आएंगी, तो हमारे पास वॉल्यूम में भी चेंज आते हैं, जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट हमने रखा होता है. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम प्रेशर को इनक्रीज़ करते हैं, तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, जबकि टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट रखना है. सो द वॉल्यूम एट various pressure is noted. In case, in each case, the product of the pressure and volume remain constant at constant temperature and it is found according to Boyle's law. अब for example, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो आपकी बुक में जिस तरह दिखाया गया है, 300 तक हमारे पास क्या है, temperature है. ये हमारे पास volume V1 है, और यहाँ पर initially हमारे पास जो pressure है, that is 1 atmosphere pressure, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. सिमिलरली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब देखें, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर में भी हमारे पास चेंज नहीं आ रहा. सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रेशर में चेंज लेकर आते हैं, अगर प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो है या जो है वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो ये हमारे पास देखे वॉल्यूम है. अब यहाँ पे अगर आप देखें, हम यहाँ पे प्रेशर 1 से लेकर जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट 2 atmosphere प्रेशर. प्रेशर हम इंक्रीज़ करें, तो अगर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हम करें, तो हमारे पास यहाँ पे आप क्या होगा कि जैसे ही हमने जो है यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें, एंड देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ होगा, और इससे हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नो सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. सो साइंटिस्ट यूज़ द पावर ऑफ रीजनिंग टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन. साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो रीजनिंग जो है, अपने जो है वो रीजनिंग या वजूहात को ढूंढने की सलाहियत को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा. फॉर इंस्टेंट, व्हेन अ बैलून इज़ फिल्ड विद एयर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बैलून है जिसे हवा से जो है भर दिया गया है, सो इट एक्सपेंड्स, क्या होता है उसमें एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. So a scientist would explain it by saying that the air molecules are free to move inside their container. तो according to scientists, वो ये explain करते हैं कि क्योंकि हमारे पास air molecules जो है वो free to move होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास
कंटेनर के इनसाइड जो है वो रैंडमली मूव करते हैं. सो देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल. क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन होती और ना कोई रिपल्शन होती है. सो एज अ रिजल्ट द गैस एक्सपेंड अंटिल इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. तो क्या होता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और जो हमारे पास कंटेनर का शेप होता है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं. देयरफॉर एयर एक्सपेंड्स टू फिल द इंटीरियर ऑफ द बैलून इवनली. इसी वजह से क्या होता है कि एयर हमारे पास एक्सपेंड होता है और जो बैलून के अंदर का जितना हिस्सा होता है उसको इवनली जो है वो सारे साइड से जो है इसको फिल या कवर कर लेता है. नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज लॉ. अगर हम बॉयज लॉ को ग्राफिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हम उसको जो है वो इफ़ वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व लाइन इज ऑब्टेन व्हिच इज शोन दैट दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स एक्सिस पे जो है वो प्रेशर की वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम के जो है वो वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं, तो इनिशियली जब हमारे पास जो है प्रेशर कम होता है, मींस वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम को शो करें, तो हमारे पास स्टार्ट में वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो हमारे पास वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज़ हो रहा होता है. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल एंड द ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ होता है और अगर हम प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. सिमिलरली हमारे पास डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, सो द बॉयज लॉ कैन ऑल्सो भी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन एज फॉलोइंग. फॉर एग्जाम्पल, डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं तो इनिशियली अगर आप देखें हमारे पास P1, P2, P3 एंड P4, तो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हैं कि P1 हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. इसी तरह अगर हम P2 को प्रेशर को थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. सेम फॉर P3, हमारे पास प्रेशर और जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है. और इसी तरह अगर हम प्रेशर को बहुत कम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो दिस शो देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. व्हेन वी इंक्रीज़ द प्रेशर सो वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड व्हेन वी इंक्रीज़ द वॉल्यूम सो द प्रेशर बिकम डिक्रीजेज बट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. Now example 5.1 which is related to the Boyle's law equation. So first of all, मैं आपको question read करके दूंगी. A 530 decimeter cube shape sample of hydrogen gas was collected in the container at 800 millimeter of Hg. Pressure at room temperature, what volume will the gas occupy at 400 millimeter of Hg? अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम गिवन है एंड देन हमारे पास जो है वो इनिशियल प्रेशर गिवन है एंड फाइनल प्रेशर गिवन है और हमने क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज़ रूम टेम्परेचर. नाउ एग्जाम्पल 5.1 हम सॉल्व करेंगे. जिस तरह के स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ सेम स्टेप्स आपने फर्दर जो एग्जाम्पल्स है उनमें जो है वो आपने फॉलो करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो गिवन डेटा जिस तरह के हमने जो है ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है क्वेश्चन में कि गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय V1 और कितना है हमारे पास, दैट इज 530 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है इनिशियल प्रेशर गिवन है विच इज P1 और कितना है, दैट इज 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इसी तरह हमारे पास जो है गिवन जो है वो फाइनली जो हमारे पास आता है दैट इज फाइनल प्रेशर एंड दैट इज P2 विच इज 400 मिलीमीटर ऑफ Hg. अब हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड डेटा
सो रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम. हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम बाय द यूज ऑफ बॉयज लॉ, दैट इज़ वी टू. ये हमने फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बॉयज लॉ का फार्मूला हम पुट करेंगे, फार्मूला टू बी यूज. तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू इंटू वी टू. ये हमारे पास जो है बॉयज लॉ का फार्मूला है. अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें, हमारे पास प्रेशर जो है पी वन भी गिवन है, इसी तरह फाइनल प्रेशर पी टू गिवन है, और इनिशियल वॉल्यूम वी वन गिवन है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने जो है वो वी टू फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो हम जो है वो फार्मूला को रीअरेंज करेंगे. सो वी टू हमारे पास यहाँ पे आएगा पी वन वी वन. अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो पी टू गिवन है, तो उसको जब हम इस साइड पे लेकर आएंगे इज इक्वल टू पे, तो वो डिवाइड होगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज सॉल्यूशन, हेडिंग आप देंगे सॉल्यूशन. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी टू इज इक्वल टू पी वन है हमारे पास 800 मिलीमीटर ऑफ एच जी. इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम जो है दैट इज़ 530 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 400 मिलीमीटर ऑफ एच जी. अब यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट यहाँ से कट जाएगा, दो ज़ीरो यहाँ से हमारे पास कट जाएंगे, एंड 4 2 8, देन वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 530, सो वी विल गेट द फाइनल वॉल्यूम. हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वी टू दैट इज़ इक्वल टू 1060 डेसीमीटर क्यूब. सो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा दैट इज फाइनल वॉल्यूम विच इज वी टू एंड द वैल्यू इज 1060 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज योर आंसर. नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दैट इज 5.1. कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस एट 1.20 एटमॉस्फेयर प्रेशर. हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल जो है प्रेशर दैट इज़ 1.20 एटमॉस्फेयर. इफ़ इट्स वॉल्यूम इज चेंज टू 70.4 सेंटीमीटर क्यूब एट इट्स प्रेशर इज चेंज टू 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, मीन्स फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 70.4 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है दैट इज़ 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जबकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो हमने क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है. नाउ डियर स्टूडेंट, फॉलो द सेम स्टेप्स दैट आई हैव डन इन एग्जांपल 5.1. सो हमारे पास क्या है, गिवन डेटा, इनिशियल प्रेशर पी वन दैट इज 1.20 एटमॉस्फेयर प्रेशर. सिमिलरली हमारे पास फाइनल प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में दैट इज पी टू एंड 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर. फाइनल वॉल्यूम गिवन है वी टू दैट इज 70.4 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ रिक्वायर्ड डेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम वी वन. सो फॉर्मूला टू बी यूज, तो बॉयज लॉ अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. नाउ रीअरेंज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने जो है वो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है पी जो है वो, क्योंकि हमने जो है वो वॉल्यूम वी वन फाइंड आउट करना है, तो पी जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा. सो वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइड बाई पी वन, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके आपके पास ये डिवाइड होगा. नो द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो हम फार्मूला में पुट करेंगे. तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है दैट इज़ 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसी तरह जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है दैट इज़ 70.4 सेंटीमीटर क्यूब.
डिवाइड बाई 1.20 एटमॉस्फेयर प्रेशर. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 211.2 सेंटीमीटर क्यूब, 211.2 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1.20. तो फाइनली हमारे पास जो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी या हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा दैट इज़ इक्वल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ इनिशियल वॉल्यूम V1 विच इज़ इक्वल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टॉपिक नंबर 2. इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद अनदर टॉपिक. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ़.